हेलो फूडीज, योर मोस्ट वेलकम। सुस्वागत है इंडिडोरी किचन। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की चटपटी चटाकेदार डिलीशियस एंड टेस्टी रेसिपी, जो कि होने वाली है टोमेटो वायरल चटनी। पता नहीं ये चटनी इतनी वायरल क्यों हो रही है, इसमें ऐसा क्या है, क्योंकि ये चटनी तो हम बचपन से बनाते खाते आ रहे हैं। हमारी मम्मी ने हमें बनाते ये खिलाते हुए बड़ा किया, इवन कई बार तो टिफिन में भी चटनी दे देती थी। बट हो सकता है किसी को क्लिक कर गई हो तो ये चटनी वायरल हो गई है, तो मैंने सोचा मैं भी बनाती हूँ इसे अपने वही बचपन वाले पुराने अंदाज में। हाँ, लेकिन ये चटनी बनती बहुत डिलीशियस है और खास तौर से चावल के साथ बहुत मस्त लगती है। तो यहाँ लिए मैंने 6 टमाटर, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और ये है इसमें और इंग्रीडियंट्स जिसमें है 3 हरी मिर्ची, थोड़ा सा हरा धनिया, 3 छोटे छोटे प्याज आप 2 ले सकते हैं, कुछ 8 से 10 लहसुन की कलियां, आधा नींबू। मसालों में मैं ज्यादा मसाले नहीं लूंगी क्योंकि चटनी आधी कच्ची और आधी पक्की होती है। तो यहाँ ले रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, 2 बड़े चम्मच जितना चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सफेद नमक या पिंक सॉल्ट। मैं पिंक लेती हूँ, आप व्हाइट सॉल्ट ले सकते हैं। यहाँ 6 टमाटर को मैंने काट करके आधा कर दिया, 6 टमाटर्स को मैंने 12 में डिवाइड कर दिया, तो इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पैन में लेना है थोड़ा सा ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल इस चटनी में यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये चटनी आधी कच्ची आधी पक्की बहुत ही डिलीशियस आपको बिल्कुल दोनों वाला टेस्ट देने वाली है, कि जो पकी हुई चटनी का भी टेस्ट आएगा और थोड़ी थोड़ी जो हम नॉर्मल रॉ चटनी बनाते हैं उसका भी टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया है, जिसमें मैंने टमाटर को उल्टा उल्टा करके जहाँ से काटा है उस साइड से ऐसे लिटा दिया है इस पैन में, और ऊपर से भी मैं ऑयलिंग कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। जरूरी नहीं है आपके पास ये ब्रश नहीं है तो आप ना ब्रश यूज़ करें, आप चम्मच की हेल्प से या हाथ से जैसे चाहें देसी अंदाज में तेल को लगा सकते हैं इसके ऊपर। और हम वेट करेंगे 5 से 7 मिनट का, इसको ढक के रखेंगे, इसमें भाप लगाएंगे, इसमें इसका वेपराइजेशन करेंगे इसमें, जिससे ये जो पानी है जो भाप है उसकी हेल्प से ये पक जाएं और सारे के सारे छिलकों को हम बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सारे के सारे छिलके हैं मैं एक एक करके बाहर निकाल रही हूँ। बेसिकली ये चटनी विदाउट छिलके बनानी होती है, तो ये इसमें जो टमाटर है इनके छिलकों को मैंने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं अभी ये सारे के सारे टमाटर विदाउट छिलके हो चुके हैं। ट्रांसफर करेंगे इसको एक बोल में, और इसके बाद हम आगे का मसाला तैयार करेंगे, जिसमें वो लहसुन, अनियन, हरी मिर्ची, कोरिएंडर और इतना ही है, और उसके साथ साथ कुछ मसाले हैं। तो यहाँ थोड़ा सा तेल लेकर एक मीडियम साइज का चम्मच जितना तेल लेकर, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना है इसमें, बहुत कम तेल लिया है मैंने, उसमें डालेंगे वो सारे 8 से 10 जो लहसुन की कलियाँ हैं, छोटी छोटी कलियाँ, इसलिए मैंने 6-7-8 ली हैं, बड़ी हूँ तो आप 4-5 लें। साथ के साथ ऐड करूंगी ग्रीन चिली और ऐड करूंगी अनियन। हमें इसको बिल्कुल भी ज़्यादा देर तक रोस्ट या सेल्फ फ्राई कुछ नहीं करना है। जैसे ही इसमें हमने अनियन एंड ग्रीन चिली डाली, सेम उसी स्टेज पे हमें वो सारे के सारे टमाटर्स में ऐड कर देने हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है प्याज को, प्याज और लहसुन और मिर्ची को, उसमें जो कच्चापन आता है, जो उसका रॉ टेस्ट है, वो यहाँ पे बरकरार रहना चाहिए, जो कि हम रखेंगे भी। ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी, जो वायरल चटनी है ना उन चटनियों से डिफरेंट है, बट यकीन मानिए उन सारी चटनियों से आपको इसमें कुछ अलग टेस्ट ज़रूर मिलने वाला है, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। बस ये हमारी चटनी ऑलमोस्ट बनके तैयार है। इसमें जो आधा नींबू हमने लिया था स्टार्टिंग में, जो मैंने प्लेट में आपको दिखाया था इंग्रेडिएंट्स में, वो यहाँ पर हम इसमें नींबू निचोड़ देंगे और इसको हम करेंगे मैश। नींबू निचोड़ने से मुझे हप्पू सिंह की जो दादी जो मम्मी है ना उनकी याद आ गई कि नींबू निचोड़ देंगे तुम्हारे, शायद आप लोग भाभी जी का नहीं हप्पू की उल्टन पुल्टन देखते हो तो आप भी रिलेट कर पाए, तो इसलिए मुझे हंसी आ गई। तो यहाँ पे ऐड करूंगी मैं थोड़ी सी धनिया, और ये चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है, बहुत मस्त बनी है, नींबू इसमें निचोड़ चुका है और यहाँ पे ये चटनी एकदम परफेक्ट बनी है। इसको मैंने ट्रांसफर किया है बोल में, प्रेजेंटेशन वीडियो आपके सामने है। वो साइड में जो काला काला दिख रहा है ना, प्लीज़ वो कुछ इफेक्ट हो गया कैमरे का, वो धनिया है, आपको ऐसा ना लगे कि वो कीड़ा है या कुछ और है, वो धनिया ही है। जो जब मैंने पिक्चर देखी थी ना तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि ये क्या आ गया मेरी चटनी में, बट बाद में पता चला वो धनिया का छोटा सा टुकड़ा है जो कैमरे के इफेक्ट से या फोटो खींचने में ऐसे हो गया है। तो ये हमारी लजीज चटनी तैयार है, इसको बिल्कुल ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें, बहुत वायरल भी हो रही है। और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी का ढिंढोरा पीटना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।